अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बैरियर टाउन कराची से मैं हूं हाफिज़ तलहा अनवर। और आज हम आपको लेके आए हैं एक बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर। पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ग्रैंड जामिया मस्जिद, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद बैरियर टाउन कराची के अंदर बन रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है। ये लोकेशन क्या है और इसमें हमें क्या मिलेगा, मतलब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे या कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलेगी, उसके लिए हमें ज्वाइन किया है। डिटेल्स के लिए माजिद भाई ने, अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। वालेकुम सलाम, तल्हा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। माजिद भाई हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के, आप अक्सर हमारे चैनल पे इनको देखते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये लोकेशन क्या है, ये जो इसकी सराउंडिंग और कहाँ पर ये लोकेशन आ रही है। अच्छा तल्हा, इसमें सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोगों ने जो है जैसे UBN ट्रेड टावर उसकी मार्केटिंग की, फिर उसके बाद DX स्मार्ट रेजिडेंसी आया और उसके बाद DX स्मार्ट अपार्टमेंट आए, तो और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं जिस पे हम लोगों ने काम किया है। और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो ऑन साइट जो हैं ऑन ग्राउंड, अगर हम उनको विज़िट भी करना चाहें तो हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही इसी तरह के जिन लोगों के हम काम कर रहे हैं ये अथेंटिक बिल्डर्स हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट पर आज हम मौजूद हैं जिसकी लोकेशन जो है वो आप देख रहे होंगे ग्रैंड जामे मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट मिडवे कमर्शियल 2 की ये लोकेशन है, जहाँ पर जो है वो पहले ये एरिया जो था कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नाम से रिज़र्व किया गया था। टोटल इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये 14.40 एकड़ जो है 14.40 एकड़ का ये टोटल लोकेशन थी। और फिर इसके बाद बहरिया ने जो है यहाँ पर मिडवे कमर्शियल 2 के नाम से डिफरेंट प्लॉट की जो है वो न्यू डील दी। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो इसमें आप ये व्यू देख रहे होंगे जिसमें बैक साइड पर जो है वो आपको अली ब्लॉक का व्यू जो है वो नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ प्रीसेंट 10 ए है, 11 है, इसी तरह डेस्कॉन टावर्स की लोकेशन भी जो है वो हमें नज़र आ रही है। फिर उसके अलावा बैरियर टाउन कराची का जो फायर स्टेशन है वो जी, भी बिल्कुल इसके साथ ही लोकेटेड है। हमारे कैमरामैन आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। अच्छा जी माजिद भाई, सॉरी। अच्छा, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की जैसे आपने बात की कि ये रेजिडेंशियल होगा या कमर्शियल होगा, तो इसमें सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देख ली आपने। इसमें सबसे खासियत बात इस प्रोजेक्ट की है वो ये है कि क्योंकि ये प्लॉट जो होगा ये 2 साइड ओपन प्लॉट होगा, और इसमें फ्रंट के जो अपार्टमेंट होंगे वहाँ से आपको ग्रैंड जामे मस्जिद का जो व्यू है वो देखने को मिलेगा, और फिर इसके अलावा जो है वो बैक साइड से भी आपका अपार्टमेंट जो है वो इसमें ओपन होगा। ठीक है। अच्छा माजिद भाई, इसमें ये बताएं कि ग्राउंड प्लस क्या है, फ्लोर इसका जो फ्लोर प्लान है बिल्डिंग का जी, और इसमें साइजेस और अपार्टमेंट्स की जो टाइप्स हैं वो अगर थोड़ा सा जी। इसमें जो अपार्टमेंट्स के साइजेस हैं, जो अकोमोडेशन दी गई है वो 2 बेड और 3 बेड अकोमोडेशन दी गई है। फिर उसके अलावा ग्राउंड प्लस 15 बिल्डिंग स्टोरी की यहाँ पर जो है वो परमिशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जो है इसमें ग्राउंड प्लस 15 जो है वो अपार्टमेंट इसमें लॉन्च करेंगे। और दूसरा, इसके अलावा अगर हम रेट्स की बात करें तो जो फ्रंट पे आएंगे जहाँ से आपको ग्रैंड जामा मस्जिद का व्यू देखने को मिलेगा, यहाँ पर 11,000 पर स्क्वायर फिट का रेट है। और इस तरह जो बैक की तरफ अपार्टमेंट होंगे अली ब्लॉक को फेस करेंगे, उसमें जो है वो 10,000 पर स्क्वायर फिट का जो है वो रेट होगा। तो इसमें अगर साइज़ देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कोई 1200 या 1500-1600 के अकॉर्डिंगली जो है वो इसमें जो अपार्टमेंट के साइज़ हैं वो हमें देखने को मिलेंगे जी। अच्छा माजिद भाई, जैसे मिडवे ए और बी है जहाँ पे बैरियर का हेड ऑफिस है, वहाँ पे ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर के है ही वहाँ पे 100% कमर्शियल एरिया सारा, तो यहाँ पे मिडवे 2 में एक रेजिडेंट मतलब रेजिडेंशियल एरिया इन्होंने बनाया बहरिया, ये ज़रा बात को क्लियर करें। अच्छा, इसमें ये पोर्शन जो है ना, क्योंकि ये आबादी के नियर 2 है, तो फिर इसी चीज़ों को, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि अली ब्लॉक है, 11 ए है, 10 ए है, तो इन चीज़ों को देखते हुए बैरिया की जो मैनेजमेंट के लोगों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो है ना, या इस तरह का कमर्शियल तो है ये, लेकिन मिडवे ए बी की तरह का नहीं है, क्योंकि इसमें साइज जो थे वो बड़े दिए गए थे, तो इसी लिहाज से जो है वो इसमें रेजिडेंशियल जो है ना वो अपार्टमेंट इसमें दिए गए हैं। लास्ट पे माजिद भी मेरा ये क्वेश्चन है कि इसकी बुकिंग जो हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं स्टार्ट हो चुकी है? जी, इसकी तरह बुकिंग जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दी है। हमारे क्लाइंट जो हैं इसमें अगर बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो हम उनको जो है वो प्रॉपर फाइल वगैरह बना के देंगे, लेकिन अभी इसका नाम जो है वो हिडन रखा गया है। जी जी। तो इंशाल्लाह हम कमिंग जो है ना नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर विद इन 10-20 डेज वो भी इसमें हम लोग जो है वो अनाउंस कर देंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच माजिद भाई।
जी तो व्यूअर्स, ये प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं मिडवे टू के नाम से, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट माजिद भाई हमें बता रहे थे, वेरी सोन इसका आपको नाम भी पता चल जाएगा हमारी हमारे ही चैनल के थ्रू। और लोकेशन आपने देख ली है, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, रेजिडेंशियल रेजिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मतलब एक अच्छा और हवादार एरिया, और ग्रैंड जामा मस्जिद की लाइफ टाइम यहाँ पे आपको सीनरी जो है वो मिलेगी। तो मज़ीद अपडेट्स और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें, और इस प्रोजेक्ट के मतलब आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।